गार्डनिंग तभी अच्छी लगती है जब हम घर में ऑर्गेनिक खाद बनाते हैं और अपने पौधों को देते हैं और उसका इफ़ेक्ट अपने पौधों पर 2 से 3 दिनों में देख पाते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ महंगे खाद खरीद करके ही हम अपने पौधों पे ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग ले सकते हैं। हमारे घर में बल्कि किचन के अंदर बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व हैं जिनका इस्तेमाल करके हम अपनी गार्डनिंग को बहुत आसान, ज़ीरो बजट और बिल्कुल भी इकोनॉमिकल तरीके से कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में जो खाद बता रही हूँ, इनके यूजेस भी बता रही हूँ, आप उन्हें ध्यान से देखिए। और आने वाले सर्दियों में जितने भी आप फ्लावर्स लगा रहे हैं उनके लिए ये बेस्ट है। परमानेंट पौधों के लिए तो है ही, जो परमानेंट पहले से पौधे रखे हुए हैं, और ख़ासकर वो पौधे जैसे अपराजिता, मोगरा, मोतिया, गुड़हल जो डोरमेंट हो जाएंगे दिसंबर में, उनको अभी से ये खाद देना शुरू कीजिए। आपका पौधा बसंत ऋतु के साथ ही फिर से फ्लावरिंग करना शुरू कर देगा। और पहला पौधा है चाय पत्ती। चाय पत्ती आप फ्रेश ले सकते हैं, आप ग्रीन टी पीते हैं वो ले सकते हैं, या फिर घर में जो चाय बनाने के बाद चाय पत्ती बच जाती है उसे धो लीजिए, सुखा लीजिए अच्छे से और पाउडर बना लीजिए, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब पहले आप ये जानिए कि चाय पत्ती में क्या पाया जाता है और पौधों के लिए ज़रूरी क्यों है। चाय पत्ती में नाइट्रोजन की अच्छी मात्रा होती है और आप सबको पता है किसी भी पौधे के बढ़ने के लिए 3 पोषक तत्व सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, वो है NPK यानी नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस। तो चाय पत्ती में इतनी नाइट्रोजन की मात्रा है जो किसी भी एप्सम सॉल्ट या DAP से कम महत्वपूर्ण नहीं है। इसको यूज़ करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि 1 चम्मच चाय पत्ती ले लीजिए और आप साथ में लीजिए ये नींबू के छिलके। ये वैसे भी हमारे किचन में ये नींबू के छिलके जो हैं ये पील्स हम फेंक ही देते हैं, इसके रस को स्क्यूज करने के बाद हम इन छिलकों को फेंकते हैं। अब फेंकने के बजाय आप क्या करेंगे, किसी एक बॉटल में 1 लीटर या 2 लीटर पानी लीजिए, 1 चम्मच ये चाय पत्ती, अब बाकी ये लेमन पील्स 4-5 ले सकते हैं, डालिए और रात भर रहने दीजिए। नेक्स्ट डे हाफ ये फर्टिलाइज़र और हाफ पानी मिलाइए और अपने पौधों को दे दीजिए। पौधे को कितना पानी देना है ये पौधे के रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है, आप ज़्यादा भी दे सकते हैं। ये जो लेमन पील्स होते हैं ये सीट्रस होते हैं, खट्टापन होता है इनमें, जिसकी वजह से मिट्टी एसिडिक होती है, फूलों की संख्या बढ़ जाती है। जिनके यहाँ चींटियाँ बहुत लग रही हैं वो इसका स्प्रे बना करके स्प्रे कर सकते हैं, यानी छान कर स्प्रे बॉटल में भर के। और ये जो लेमन होता है ये इससे बहुत ही अच्छी कंपोस्टिंग भी होती है, यदि आप घर में कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं तो उनमें इन दोनों चीज़ों को डाल सकते हैं। लिक्विड भी बनाकर सभी प्रकार के फूलों वाले या इनडोर या आउटडोर, या फिर आपके पास सब्जियों के पौधे हैं या फलों वाले पौधे हैं, सब पर स्प्रे कर सकते हैं, सबकी सॉइल में डाल सकते हैं। इसको रिपीट कब कब करना है, आप वीक में एक बार कर सकते हैं, 15 दिनों पर एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, पूरी तरीके से ऑर्गेनिक है। और ख़ासकर अभी जब आप सर्दियों में फ्लावर्स लगाएंगे जो जिनकी लाइफ जो है टाइम टेन्योर 3 से 4 महीने की होती है, उनके लिए तो आप वीक में 2 या 3 बार इस्तेमाल करें, बहुत ही बेस्ट रहेगा। मिट्टी को नेचुरली भुरभुरा बनाकर रखेगा, नेचुरली एसिडिक रखेगा। अगली जो खाद है वो है बनाना पील्स यानी केले के छिलके। आपके गार्डनिंग के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण खाद है और इसको डिफरेंट टाइप से इस्तेमाल किया जा सकता है। बनाना के छिलके मिट्टी में बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाते हैं, तो या तो एक सबसे सस्ता और आसान तरीका यह है कि टुकड़ों को काट लीजिए, 1 गमले में कम से कम 2 बनाना पील्स को साइड में ऐसे बिछाइए और सॉइल से ढक दीजिए। लेकिन ये वाला जो प्रोसेस है वो परमानेंट पौधे के साथ ही करना है, जो सर्दियों के कम टेन्योर के पौधे होंगे उनके साथ नहीं करना है, क्योंकि ये डिकम्पोज जल्दी नहीं होंगे और फिर पौधा जो है फंगस को ले लेगा। तो सर्दियों में ये काम ना करते हुए गर्मियों में करें और परमानेंट वाले पौधों के साथ करें। दूसरा तरीका क्या है, या तो इसे रात भर पानी में भिगोए अगले दिन यूज़ करें, ये बेस्ट वे होता है, बहुत ही सेफेस्ट वे है, और इसका इस्तेमाल वीक में 2-3 बार करते जाएं और आप देखेंगे कि पौधों की संख्या निश्चित तौर पर बढ़ जाएगी। चाय पत्ती के साथ भी आप मिला करके दे सकते हैं तो फिर नाइट्रोजन और पोटेशियम साथ में आपके पौधे को मिलेगा। अदर मिनरल्स भी हैं जो रिकमेंडेड नहीं हैं लेकिन इसके साथ हैं जो आपके पौधों के लिए ज़रूरी हैं, क्योंकि कुल 18 तरीके के मिनरल्स पोषक तत्व चाहिए होते हैं आपके पौधों को ग्रो करने के लिए।
इस तरीके से रात भर इसे रखना है और अगले दिन जब आप यूज़ करेंगे, यदि फ्रेश यूज़ कर रहे हैं डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, और यदि आपने 3-4 दिनों तक स्टोर कर लिया, या कई लोग लिखते हैं कि महीने भर से स्टोर पड़ा है, फिर बिना पानी मिलाए हुए कभी भी ना इस्तेमाल करें, वरना निश्चित तौर पर आपके पौधे की रूट्स जल जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो जब कभी ये 24 घंटे से ज़्यादा पुराना हो गया तो यू नीड टू ऐड सम नॉर्मल वाटर। आप चाहें तो इस तरीके से केले के छिलकों को सुखा सकते हैं और सुखाकर पाउडर बनाकर रख सकते हैं, और जब भी आप पॉटिंग मिक्स तैयार कर रहे हैं तो पोटेशियम के रूप में इन छिलकों को 3-4 चम्मच आप मिला लीजिए। नीम खली भी साथ में मिलाइए, किसी भी प्रकार का फंगस भी नहीं लगेगा और आपके पौधे को फ्री में बहुत सारे पोषक तत्व मिल जाएंगे। अगला जो तरीका है ये है आलू के छिलके। आलू के छिलकों को आप पानी में भिगो दीजिए, हर घर में अवेलेबल है। अगले दिन छिलके हटाइए और पानी को पौधों में डालिए, सभी प्रकार के पौधों में डाल सकते हैं। देखिए, गार्डनिंग में एक चीज़ आप ध्यान रखिए, मिट्टी जितनी भुरभुरी होगी, जितनी रिच दिखेगी, ब्लैक दिखेगी, आपके पौधे उतने ज़्यादा स्वस्थ होंगे। मिट्टी वाइटिश रहेगी और सख्त हो जाएगी तो कभी भी फ्लावरिंग अच्छी नहीं होगी। अगला जो टिप है ये आपके बहुत काम आने वाला है। नीम के पत्ते रोड साइड से कहीं से भी ले आइए और इसे किसी झोले या किसी कपड़े में टांग दीजिए, ये आराम से सूखता रहेगा। अब आपको क्या करना है, जब आप पॉटिंग सॉइल तैयार कर रहे हैं इसको आप मिक्स कर लीजिए। ये बहुत ही बढ़िया आपके पौधे को फ्री में ही एक आप कह सकते हैं फंगस फ्री रखने का तरीका होगा। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, इन पत्तों को उबाल लीजिए और इनको छान करके स्प्रे कीजिए, या इन पत्तों के पानी से वीक में 1 या 2 बार आप चाहें तो अपने पौधे को सींच सकते हैं, पानी दे सकते हैं, जिससे कि आप देखेंगे बहुत सारे मल्टीपल बेनिफिट्स आपके पौधे को मिलेंगे। इसमें आप चाहें तो वर्मी कंपोस्ट मिलाकर उस पानी में, या चाय पत्ती मिला करके अपने सभी पौधों को दे दें तो साथ में न्यूट्रिशन भी मिलता जाएगा। अगला जो जैविक तरीका है ये है चावल। चावल तो करीब करीब सभी के घरों में खाई जाती है। चावल कुक करने के पहले, बनाने के पहले हम वॉश करते हैं। अब आपको क्या करना है, उस चावल के पानी को, जो वॉश करने के समय पानी हम फेंक देते हैं, उस पानी को या तो आप फंजीसाइड की तरह स्प्रे बॉटल में भर के स्प्रे कर लीजिए 2-3 बार छान कर, या फिर डायरेक्टली सॉइल में दीजिए। ये आप वीक में 1-2 बार जितनी बार हो सकता है दे सकते हैं, इसमें कोई, या इसी से वाटरिंग कर दीजिए, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। कैल्शियम का बहुत अच्छा स्रोत है और मैंने खुद आजमाया हुआ है कि इससे पौधे बहुत ही सही रहते हैं। मिट्टी को वो सारे पोषक तत्व मिल जाते हैं, माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ बढ़ जाती हैं, जिस वजह से जो माइक्रोब्स हैं पौधों के अंदर उनको भी भोजन मिल जाता है। कोई हार्मफुल केमिकल नहीं है, कुछ नहीं है, इसलिए इसका इस्तेमाल आप करते जाइए। और ये जो कैल्शियम युक्त चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, इन पर कितना गैप रखना है वो भी मैं आपको बता रही हूँ वीडियो के दौरान, क्योंकि कई लोग पूछेंगे कि एक साथ सबका इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी भी किसी भी खाद को एक साथ इस्तेमाल नहीं करना है कि सारे एक ही दिन डाल दिए, एक खाद दे दिया फिर 3 से 4 दिन रुकिए अगली खाद के लिए, खासकर ऑर्गेनिक है। केमिकल है तो 15 दिन रुक जाइए, ऑर्गेनिक है तो 3 से 4 दिनों का गैप मेंटेन कीजिए, फिर नेक्स्ट जो खाद है उसे ऐड कीजिए। अगली जो खाद है जो आपको घर में बना करके देना है और अभी से लेकर के हर एक 15 दिनों पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं, ये है संतरे और नींबू के छिलके। आप संतरे और नींबू को एक साथ पीस लीजिए, पीस करके किसी भी बॉटल में स्टोर करके रख दीजिए। अब एक गमले में आपको आधा कप ये लेना है और आधा कप पानी लेना है, डायरेक्ट कभी भी इस्तेमाल नहीं करना है। इतनी थिक लेयर यदि आप अपने गमले में डालेंगे तो कभी भी वो सूखेगा नहीं गमला और फंगस को क्रिएट करेगा। तो आधा कप इसे लीजिए और आधा कप या 1 कप पानी मिलाइए, पतली घोल कीजिए और फिर अपने पौधों को दे दीजिए। सभी प्रकार के फूलों वाले पौधों को दे सकते हैं, इंडोर प्लांट्स को नहीं देना है। एक चीज़ और कर सकते हैं, नींबू और संतरे के छिलके को बॉयल कर लीजिए और बॉयल करने के बाद जो पानी मिलता है वो स्प्रे की तरह इस्तेमाल कीजिए। वो इतना बढ़िया काम करता है, आपके गार्डन में बहुत अच्छी खुशबू रहती है और सिट्रस स्मेल से बहुत सारे कीड़े मकोड़े नहीं आते हैं, चींटियां भी नहीं आती हैं। और ये जो चीज़ें जितनी भी मैं आपको बता रही हूँ, मैं खुद अपने गार्डनिंग में बहुत सालों से यूज़ कर रही हूँ और इसका इफ़ेक्ट हमेशा अच्छा होगा। जब आप लोग इसके बेनिफिट्स लेंगे तो प्लीज़ आप लोग शेयर ज़रूर कर लेना। और एक चीज़ आप प्रो टिप समझ कर रख लीजिए कि whenever fertilizing it is important for the soil in the pot to be dry. Dry होना ज़रूरी है तभी fertilize कीजिए। मुझे उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।